नमस्कार महप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्लग एंड प्ले के तहत उद्योग को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने लगातार 8वें दिन भी किया प्रदर्शन। राज्य में बालू की कालाबाजारी चरम पर। बिहार में बढ़े कोरोना एक्टिव केस के मामले। आज है सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बरसी। 2 साल बाद भी नहीं सुलझी केस की गुत्थी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्लग एंड प्ले के तहत उद्योग को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार। बिहार में भी बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाए, इसके लिए बिहार सरकार पूरी जोर शोर से लगी रहती है। इसके लिए ही उद्योग विभाग 5 जिलों में प्लग एंड प्ले प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण करवा रही है। 15 करोड़ की लागत से एक शेड का निर्माण होगा, जहां उद्यमी सिर्फ उपकरण लगाकर फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। जमीन से लेकर बिजली पानी तक की व्यवस्था सरकार की है। फिर राज्य में औद्योगिक विकास की रफ्तार को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस योजना के तहत भागलपुर के अलावा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, चंपारण और बिहटा में शेड का निर्माण होगा। शेड का निर्माण 6 महीने के अंदर होगा। दरअसल ये प्लग एंड प्ले के तहत जो जमीन के अभाव में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, अब उन्हें जमीन के साथ साथ बिजली भी मिलेगी। राज्य में बालू की कालाबाजारी चरम पर। बिहार में बालू का खनन फिलहाल रुका हुआ है। वहीं स्टॉक में बालू की कमी की वजह से राज्य में कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई है। इस समय बिहार में बालू माफिया और बिचौलियों की बल्ले बल्ले हो रही है। वो जरूरतमंदों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि सभी जिलों में बालू के पर्याप्त भंडार है। बिहार में अभी 100 घन फीट बालू के लिए बिचौलिए 8,000 रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि इसकी औसत कीमत 3,500 से 4,000 रुपए ही है। यानी कि लोगों से 2 गुने दाम वसूले जा रहे हैं। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने लगातार 8वें दिन भी चलाया आंदोलन। पिछले एक हफ्ते से एसटीईटी के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों की मांग है कि उनका नियोजन अंक के आधार पर किया जाए। इसको लेकर बीते दिन आंदोलन भी तमाम अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे रहे। धरना स्थल पर उपस्थित एक अभ्यर्थी ने बताया कि हमारी मांग है कि केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन नियोजन किया जाए, जून 2022 तक की रिक्तियों को जोड़ा जाए, बिहार के छात्रों को ही नियोजन में मौका दिया जाए। इस दौरान धरना स्थल पर सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद थे। मानसून के आगमन के एहसास से पहले बिहारवासियों को सताने लगा बाढ़ का खतरा। बिहार में अभी पूरी तरीके से मानसून ने अपना रूप दिखाना शुरू भी नहीं किया। कितने जिले में तो अभी मानसून की आगमन का एहसास भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर नदियां उफान पर है। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश होने से बिहार की सभी बड़ी नदियां उफान पर है। कोसी नदी एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला, गंडक और बागमती नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अगले 24 घंटे के भीतर नेपाल में बारिश नहीं थमी तो ये बागमती और गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। इस तरह कमला बलान, जयनगर और झंझारपुर, जबकि गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवाघाट में लाल निशान की तरफ ये बढ़ रहा है। आज है सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बरसी। 2 साल बाद भी नहीं सुलझी केस की गुत्थी। 14 जून 2022, आज के दिन बिहार का लाल और बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत की। बिहार की राजधानी पटना से मुंबई में अपनी कामयाबी के सफर को तय करने के दौरान अचानक ये ठहर गया। 2 साल पहले आज ही के दिन रहस्यमय तरीके से उनकी जान चली गई, जिसकी गुत्थी आज 2 साल के बाद भी नहीं सुलझी है। खुद 1.5 साल से मामले की जांच कर रही सीबीआई भी शुरुआती तेजी के बाद भी अब बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है। खैर, आज पूरे बिहारवासी सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी बरसी पर उन्हें याद जरूर कर रहे हैं। बिहारवासी मानसून की राह में लगाए बैठे हैं टकटकी। बिहारवासी एकटक से मानसून की राह देख रहे हैं, लेकिन मानसून बिहारवासियों के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। मालूम हो कि हर साल 13 जून को पूर्णिया के रास्ते मानसून प्रवेश करता है। 13 जून भी बीत गया, लेकिन बिहार के अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो मानसून पूर्णिया में प्रवेश कर चुका है, लेकिन पूर्णिया के भी कई हिस्सों में बारिश देखने को अब तक नहीं मिल पाई है। आसमान में काले घने बादल जरूर थे, लेकिन बारिश की दरकार देखने को मिली। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 15 जून से राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं राजधानी पटना और गया में मानसून की पहली बारिश 16 जून को होने की संभावना है। हालांकि सारण में मानसून पहुंचने की तारीख 18 जून है। वहीं अररिया, पूर्णिया, सुपौल और किशनगंज में मानसूनी गतिविधियां देखी गई हैं। कोरोना की संभावित चौथी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के इस अस्पताल ने पूरी की तैयारी। बिहार में कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए गया के ANM MCH ने तैयारी पूरी कर ली है। मालूम हो कि बीते दिन देर रात जारी किए गए कोरोना मामले के आंकड़ों के अनुसार कुल 14 नए मामले संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रिकवरी दर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। संभावित कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल को तैयार किया गया है। अस्पताल के MCH बिल्डिंग में 121 बेड तैयार कर दिए गए हैं। गौरतलब हो कि गया में कोरोना का संक्रमण फिर से शुरू हो गया है। 95 दिन बाद कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। कबीर जयंती पर मुख्यमंत्री ने बिहारवासियों को दी शुभकामनाएं।
आज कबीर जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए बिहारवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कबीर जयंती के अवसर पर बिहारवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। संत कबीर का जीवन दर्शन और उनकी काव्य रचना प्रेरणादायक है और हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत में धर्म, भाषा और संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीर दास जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। सर्वश्रेष्ठ विधानमंडल का चयन करने वाली समिति की बैठक में विजय सिन्हा हुए शामिल। बीते दिन लोकसभा के एनेक्सी भवन स्थित समिति कक्ष में भारत में सर्वश्रेष्ठ विधानसभा या विधान परिषद के चयन के लिए मानक तय करने के लिए पीठासीन पदाधिकारियों की नवगठित 7 सदस्यीय समिति की आयोजित बैठक की गई। इस बैठक में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विशेश्वर हेगड़े कागेरी ने की थी। इस बैठक में आज विस्तार से सभी मापदंडों पर विचार विमर्श किया जाएगा। जल्द ही इसकी अगली बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दामरे, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर निमाबेन आचार्य, तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष एम अप्पावू भी शामिल थे। सुशील मोदी ने कसा तंज। सोनिया राहुल ने लालू से सीखा अवैध संपत्ति अर्जित करने का तरीका। बीते दिन ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद भाजपा भी कांग्रेस पर तंज कसने से नहीं चूक रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस दोनों को लताड़ा है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 1937 से 38 में 5000 स्वाधीनता सेनानियों के चंदे से जो एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड AJL कंपनी बनी है, वो नेहरू गांधी परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। कंपनी जब 2008 में 90 करोड़ रुपए कर्ज में डूबी, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नई कंपनी बनाकर AJL का कर्ज दिया और फिर उसके शेयर खरीदकर 5000 करोड़ की भूसंपत्ति हड़प ली। राहुल गांधी ने संपत्ति बनाने का ये तरीका लालू प्रसाद यादव से सीखा है। अनंत सिंह को इस दिन सुनाई जाएगी सजा। बिहार में मोकामा के बाहुबली कहे जाने वाले विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है। ये मामला बाढ़ के लदमा गांव में स्थित उनके पुश्तैनी घर से हथियार और गोली मिलने का है। गिरफ्तारी के समय वो मोकामा में निर्दलीय विधायक थे। इस बीच मंगलवार को MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोक दुबे ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए राजद विधायक को दोषी ठहराया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून 2022 को होगी और अनंत सिंह को सजा सुनाई जाएगी। अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि उन्हें कितने दिन की सजा होगी। बिहार में बढ़े कोरोना एक्टिव केस के मामले। देश में कोरोना के मामलों में पिछले 2 दिनों से फिलहाल कमी देखी जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6594 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के अनुसार 126 हो गई है। वहीं राज्य भर में 91,754 कोरोना सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 14 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में ही 13 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं अररिया में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लालू यादव अब जा सकेंगे सिंगापुर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब अपने इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। पटना लोअर कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया है। लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर सुनवाई हुई। इसके बाद पटना लोअर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की अपील पर उनके पासपोर्ट रिन्यूअल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है। मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाना है। इसी सिलसिले में सिंगापुर जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की जरूरत थी। इतिहास फिर से लिखे जाने के मुद्दे पर बोले सीएम नीतीश। आपको याद होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब इतिहास को फिर से लिखने का समय आ गया है। इतिहास की मौजूदा किताबों में इतिहासकारों ने सिर्फ मुगलों का महिमा मंडन कर रखा है, जबकि अन्य शासकों की वीरता का जिक्र ही नहीं है। कुछ लोगों ने इतिहास को विकृत कर दिया, हमें इसे सही करने की जरूरत है। अब इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास को कोई कैसे बदल सकता है, इतिहास तो इतिहास होता है। लिखने की भाषा बदली जा सकती है, भाषा एक अलग मुद्दा है, लेकिन मौलिक इतिहास को तो नहीं बदला जा सकता। बीसीसीआई ने की पूर्व क्रिकेटरों की पेंशन डबल करने की घोषणा। अगले 5 साल यानी 2023 से 2027 तक के लिए आईपीएल के टीवी अधिकार 57.5 करोड़ रुपए प्रति मैच और डिजिटल अधिकार 50 करोड़ रुपए प्रति मैच में बिके हैं। इस तरह 107.5 करोड़ रुपए प्रति मैच की संयुक्त राशि के साथ आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी लीगों की सूची में शामिल हो गया है। आईपीएल की कमाई बढ़ने से बीसीसीआई के कोष में भी वृद्धि होगी और इसका फायदा पूर्व और मौजूदा भारतीय क्रिकेटरों और बीसीसीआई से जुड़े अन्य व्यक्तियों को होगा। बीसीसीआई ने यह फायदा पहुंचाने की शुरुआत भी कर दी और अपने पूर्व क्रिकेटरों और पूर्व अंपायरों की पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाद आप इस न्यूज़र ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है। उनके नाम है महेश दास, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, कविता कुमारी, जितेंद्र प्रसाद, सुभाष सिंह, विशाल कनौजिया, नवनीत कुमार, बिंदु रानी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको क्या लगता है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इतिहास को फिर से लिखे जाने का प्रस्ताव सही है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।